हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी रामपाल। आज दी वीडियो विच असी 7th क्लास दी इंग्लिश वर्कबुक विचों शीट नंबर 11 करांगे। सो लेसन दा नेम है देयर वाज अ नॉटी बॉय। एक वारी एक शरारती मुंडा सी। सो नॉटी मीन्स शरारती, मिसबिहेव। He is very naughty. वो बहुत शरारती है। Next is found, discovered, पता लगना। He found that the dog was lame. उन्हें पता लगा कि कुत्ता लंगड़ा सी। Ground, the solid surface of the earth. जमीन दी मजबूत सतह। So इसमें अपन जमीन कहेंगे ground. So there is a big ground for playing football. Football खेलने लिए एक बड़ी ground है उधर। Yard, grassy area. So जहाँ इसने अपना वेड़ा कह सकते हैं। We have two mango trees in our backyard. साडे backyard विच पिछे वाले वेड़े विच दो mango trees हैं। वेटी, सीरियस ते इंपॉर्टेंट। सो कुछ गंभीर अते महत्वपूर्ण। ही कैन सॉल्व वेटी प्रॉब्लम्स। वह गंभीर प्रॉब्लम नू समस्यावां नू सुलझा सकता है, सॉल्व कर सकता है। फोर स्कोर, 80, 80। He has reached at the four score. वो 80 दी उम्र ते पहुंच गया है। Wondered, हैरान होना। He wondered to know about England. वो इंग्लैंड बारे जान के बहुत हैरान होया सी। Merry, very happy, बहुत खुश। They were making merry. वो खुशियां मना रहे सन। वुडन, मेड ऑफ वुड, लकड़ दा बनया। वी हैव टू वुडन चेयर्स। साडे कोल दो लकड़ दियां कुर्सियां हन। स्कॉटलैंड, द नेम ऑफ अ कंट्री, स्कॉटलैंड देश। द बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। मुंडा स्कॉटलैंड गया। अगे वेखते हाँ। अ स्माइल यूजेस लाइक और एज फॉर कंपैरिजन। सो कंपैरिजन वास्ते असी एज ते एज यूज करते हाँ जा लाइक यूज करते हाँ। सो पहला वेखते हाँ एज स्ट्रोंग एज, भी वो इन्ना बहादुर है जिन्ना के। सो एज स्ट्रोंग एज, सो इनू सान अ बुल, इहदे नाल कंपेयर करते हाँ। मजबूती नूं सान दे नाल कंपेयर करते हाँ। स्लो, स्लो लाइक अ स्नेल। स्नेल एक घोगा हुंदा है। एज स्मॉल एज, इन्ना छोटा है जिन्ना कि एक माउस, चूहे जिन्ना छोटा है। एज क्विक एज अ चीता, सो चीते की तरह तेज है, क्विक है। वॉक्स लाइक अ पीकॉक, सो वो पीकॉक की तरह, मोर की तरह तुरदा है। एज फास्ट एज लाइटनिंग, सो बिजली की तरह तेज है। ग्रो लाइक अ वीड, वाधा है कादे तरह, वीड नदीन की तरह वाधा है। इन्ना माण वाला है जिवें एक सोल्जर हुंदा है। एज प्राउड एज सोल्जर। अगे वेखते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस। नेम द पोएट ऑफ द पोएम। जॉन कीट इज द पोएट ऑफ द पोएम। पीपल हु लिव इन स्कॉटलैंड, जेडे लोग स्कॉटलैंड रहिंदे हन, आर कॉल्ड स्कॉटिश, उन्हां नूं स्कॉटिश कहिंदे हन। व्हाट डू यू कॉल द पीपल हु लिव इन इंडिया। सो जेडे इंडिया दे विच रहिंदे उन्हां नूं की तुसीं बुलाउंदे हो जां उन्हां नूं कहिंदे हो। दे आर इंडियन। हाउ वाज द ग्राउंड।
ग्राउंड किवें दी सी। द ग्राउंड वॉज वेरी हार्ड, ग्राउंड बहुत ही सख्त सी। व्हाट डिड द बॉय फाइंड एट फर्स्ट, सब तो पहला मुंडे नू की लब्बा। ही फाउंड द ग्राउंड एट फर्स्ट, उन्हें सब तो पहला ग्राउंड मिली। द नॉटी बॉय रैन फ्रॉम, जिहड़ा नॉटी बॉय शरारती मुंडा सी कित्थों भज्जा कित्थों तक। फ्रॉम इंग्लैंड टू स्कॉटलैंड, तो इंग्लैंड दे विच्चों स्कॉटलैंड तक वह भज गया। दैट अ सोंग वॉज एज लोंग एज द यार्ड, सो जिहड़ा सोंग सी वह इन्ना लंबा सीगा जिन्ना कि यार्ड वेड़े की तरह। द बॉय फाउंड द थिंग्स डिफरेंट इन स्कॉटलैंड एज कंपेयर टू इंग्लैंड, तो बॉय नू इंग्लैंड नालों वक्रे तो वक्रिया चीज़ा मिली स्कॉटलैंड। इट्स फॉल्स। राइट डाउन अबाउट अ मिसचीफ दैट यू हैड डन एट होम और स्कूल, के एहो जी शरारत बारे मिसचीफ बारे लिखो। दैट यू हैड डन, जिहड़ी तुसी कीती आ घरे, एट होम और स्कूल जां स्कूल च। ऑल्सो राइट द कॉन्सीक्वेंसिस ऑफ इट, अते तुसी इस दे नाल ही लिखो कॉन्सीक्वेंसिस सिट्टे, कि उसके की सिट्टे निकले वह भी लिखो। सो मैं अपने तौर पर लिख रहा हाँ, तुसी खुद अपना बना के लिख सकते हो। आई विविडली रिमैंबर, विविडली स्पष्ट रूप में, रिमैंबर याद, कि मैं स्पष्ट रूप में याद है। वैन आई वॉज इन फिफ्थ क्लास, जो मैं पंजवीं क्लास के आई च्यूड, च्यूड मैं चबा सम बबल गम्स, मैं कुछ बबल गम्मा चबाइया। एंड पेस्टड ऑन अ बेंच, एक बेंच के उत्ते उन्होंने चिपकाता। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती नाल, द मोनीटर ऑफ द क्लास सैट ऑन दैट वेरी बेंच, उस बेंच से, दैट वेरी बेंच, उस बेंच से बैठ गया मोनीटर क्लास का। वैन समबड़ी नोटिस, जदों किसी ने नोटिस किया, पता लगा। द गम ऑफ गम ऑन हिज पेंट, उसकी पेंट से गम का पता लगा। ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी, उन्हें मेरे खिलाफ शिकायत करती। टू द क्लास इंचार्ज, क्लास इंचार्ज में। फॉर माई मिसचीफ, मेरी गलती दी, आई हैड टू फील सॉरी, सो मैनू माफ़ी मंगनी पई, अपनी गलती ले मैनू माफ़ी मंगनी पई सी। सो तुसी अपने तौर पर इस तरह लिख सकते हो। सो नैक्सट इज रिप्लेस, मीनस बदल दो। द अंडरलाइंड ऑब्जेक्टिवस, द अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव जोड़े हैं विशेषण हैं उन्होंने बदल दो। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक तुहाडे वास्ते कीता गया है। जिमें नॉटी बॉय, इहदा सिनोनिम प्लेफुल बॉय। सो इक्को जे वर्ड जिहड़े हन एडजेक्टिव, तुसी जां होर कोई एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो। अ लोंग यार्ड, अ ब्यूटीफुल यार्ड। अ हार्ड ग्राउंड, अ ब्रॉड ग्राउंड। A red cherry, a sweet cherry. A wooden door, a small door. A pair of black shoes, a pair of new shoes. So, इतने new word जो है small, sweet, ये सारे adjective हैं, विशेषण हैं। A merry song, a खुशी भरिया song, a lovely song, एक वधिया प्यारा song. A confident girl, a nice girl. So ए सी एडजेक्टिवस। अगे वेखते हाँ, let us translate. I will come to school tomorrow. So will word जो है future का है, so इहदा मतलब आवांगा। So I will come, मैं आवांगा to school tomorrow, कल नू स्कूल आवांगा, मैं कल स्कूल आवांगा। You will meet, meet मिलना, तुसी मिलोगे रमेश, रमेश नू tomorrow, कल तुसी कल रमेश नूं मिलोगे। रमन मैनू कल ईमेल भेजेगा, सो इत्थे वी विल, रमन विल सेंड फर्स्ट फॉर्म मी ईमेल टुमारो, सो मैनू वह ईमेल कल भेजेगा। आई, की तुसी कल मैनू मिलोगे। सो क्वेश्चन है, विल नूं सब तो पहले लिख लांगे, विल यू मीट मी टुमारो। अगे है फैमिली टाइम, ask your parents
ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स अबाउट डिफरेंट सिटीज और विलेजेस दे हैव विजिटेड, कि उन्होंने पूछो कि उन्होंने कि विलेज या सिटी वेखे हैं। ऑलसो आस्क दैम, तो उन्होंने होर भी पूछो अबाउट डिफरेंसिज एंड सिमिलैरिटीज, डिफरेंसिज फर्क अते इको जिहा जो भी होवे दैट दे हैव फाउंड, जिहड़ा उन्होंने पता लगा दे आर इन सिटी और विलेज या विलेज ते सिटी दे विच। सो अमृतसर या अपने सिटी का विलेज का नेम लिख लेना, सिमिलैरिटीज उन्होंने जिहड़ियां इको जिहियां चीज़ां ने वो केड़ियां ने, पीपल आर कॉर्डियल, लोग जिहड़े वो बड़े निघे ने प्यार ना रहिंदे हन, गुड फैसिलिटीज दोवें थावां ते हैगियां, गुड स्कूल्स दोवें थावां ते हैगे। सो डिफरेंस फर्क की है, मोर ग्रीनरी एट विलेज, ग्रीनरी विलेज ज़्यादा हुंदी है, मोर ट्रैफिक एट द सिटी, सिटी दे विच ट्रैफिक ज़्यादा है, सिटीज सिटी एरियाज आर कंजेस्टेड, तो जिहड़े सिटी दे एरियाज ने वह कंजेस्टेड ने, तंग ने। यूज वन वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स, जेडे अंडरलाइन द स्मॉल बॉय, स्मॉल बॉय नू होर की कहिंदे हन, सो इन इनफेंट भी कहिंदे हन। द बॉय वॉन्टड टू होल्ड द स्मॉल बॉय, सो मुंडा चाहुंदा सी होल्ड करना, पकड़ना द स्मॉल बॉय, छोटे मुंडे नू पढ़ना चाहुंदा सी, चुकना चाहुंदा सी, सो इनफेंट भी आपां इहदा सिनोनिम है। द क्लाउन इज फुल ऑफ फन, जेड़ा क्लाउन आ जोकर आ वो फुल ऑफ फन आ, सो उन्हूं आपां फुल ऑफ फन जॉली, द क्लाउन इज जॉली भी कह सकते हाँ। द फार्मर्स पिग वॉज नॉट डर्टी, फार्मर का सूर गंदा नहीं सी, नॉट डर्टी मीनस क्लीन। इतने एवरी वन वॉज फीलिंग स्केयर्ड, सो हर कोई डरिया महसूस कर रहा सी, ड्यूरिंग हुंदा है दौरान, द स्टॉर्म तूफान, तूफान के दौरान सारा हर कोई डरिया महसूस कर रहा सी, सो अफरेड जिहड़ा डर, डर इतने अफरेड भी यूज कर सकते हैं, एवरी वन वॉज अफरेड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। द डोर वॉज नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड मीन्स ओपन, सो इतने इतने ओपन आएगा, इतने इट्स रॉन्ग। ही वॉज नॉट अवेक, वो जागया नहीं सी, इट मीन्स वो सुता होएगा स्लीप, सो ही वॉज असलीप when I went there, जदों मैं उत्थे गया, so it means इत्थे आपां sleep use कर सकते। so next इत्थों आपां there are 12 words hidden in this table, so इस table विच 12 words ने जिहड़े लुके हन वो आपां find करने हन, जो first जिहड़े हैगा है strong, ये तुहाडा कीता है in the book, so first word is strong, second is ready, third is flu, fourth is good, fifth is quiet, sixth is loyal, seventh is free, eighth is surprise, ninth is mop, tenth is worse, 11th is angry, and the 12th one is frightened। सो ये सी अज की वीडियो, जेकर तुहानू इह वीडियो चंगी लगी तां लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, थैंक यू।